अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमजा इब्राहिम, अंदरूनी मुल्क कराची, बैरूनी मुल्क दुबई और उससे कहीं आगे की फिल्म। वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। मुझसे कनेक्ट होने के लिए आपको बॉलीवुड से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमजा इब्राहिम बनना चाहता था एक्टर, बन गया गैंगस्टर। और आज भी जब मैं आईना देखता हूँ तो मेरे अंदर का एक्टर जाग उठता है। मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? काश, काश मैं तुम्हारी जगह में होता। और मैं जिंदगी भर काश नहीं कहना चाहता। तो आप मेरा छोटा मोटा फ्लैशबैक देखें, मैं यहीं पे हूँ, आपका भाई इंट्रो देख कर ही जाएगा। देखें, ये 14 साल का बच्चा जो टेबल पे चिपका हुआ है ना, इसको पता था नो गर्ल्स नो टेंशन। पर रात 12 से 4 के बीच मर्द पागल हो जाते हैं, ओवर कमिट करते हैं, सेंटी हो जाते हैं, रोते धोते हैं। हेलो, हाँ, मैंने अम्मी अब्बा से परमिशन ले ली, मैं दुबई आ रहा हूँ। परसों पैक पैक किया, दोस्त से आखिरी बार मिला। और यहाँ आता है मिर्जा का पहला। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक एमरेट्स है और उड़ के जाना है। बस 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच के अपने प्यार से मिलने का इंतज़ार। जहाज वहाज में बैठ के विंडो बंद कर दी। भैया अब तो ये ना दुबई में ही खुलेगी, मतलब स्वागत नहीं करोगे हमारा? अपना बोरिया बिस्तर उठाया और दुबई के फ्लैग के सामने जाकर मारी एंट्री। एयरपोर्ट को एग्जिट मारा, टैक्सी पकड़ी और फिर जो 2 घंटे बाद माँ की याद थी। हेलो हेलो मम्मी, इन लोगों ने कहा था कि कमरा देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि 10 लोग भी उसके साथ देंगे। एक कमरे में 10 लोग हैं और एक फ्लैट में 20 लोग हैं, क्योंकि 2 कमरे हैं फ्लैट में। हाँ, हेलो हेलो। अपने ईगो के चक्कर में पूरी रात बस में गुजार दी, पर वहाँ बस बाथरूम नहीं था। और यहाँ आता है मिर्जा का दूसरा। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। भाई जहाज में उसके लिए दुबई आना काफी नहीं था, इसके बाद का टैक्सी बस और ट्रेन का सफर, और बगैर पीछे मुड़े मॉल में एंट्री मारी 2 बाउंसर्स के साथ, और TGIF में 15 मिनट का वेट किया, क्योंकि हमारा प्यार था भाई वीर ज़ारा जैसा, जैसे मैं उसका वीर था और उसको ज़ारा में शॉपिंग करना बहुत पसंद था। और न्यू अराइवल्स तो मेरी सैलरी जितने थे भाई। खुद के लिए 15 धर्म की सुपरमैन की शर्ट खरीदी, क्योंकि भाई का काम 25 है। फिर दुबई की रोडें, ज़िंदगी की कुंवारी और अपना खुद कटवाने के बाद ये स्पॉट, ये मेरे दुबई की फ्लैट की छत है। और हर ओवरसीज लड़के का एक ऐसा स्पॉट तो होता ही है। और किसी ने कहा था कि यहाँ से नाक की सीध में तुझे कराची नजर आएगा। पर मैं आपको अपनी ज़िंदगी का सिर्फ यही पार्ट क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि गली के कोने में मोहल्ले की लड़कियाँ डिस्कस करते हुए किसी मजबूत लौंडे ने कहा था कि अगर इंसान के पास दिमाग हो तो वो अपना दर्द भी बेच दे। मायने में हमजा इब्राहिम, ये थी मेरी यहाँ तक की ज़िंदगी, इसकी आगे की ज़िंदगी यहाँ पर मैं साल गुजारेंगे। और मिर्जा का अब यहाँ पे कोई शेर नहीं आएगा, क्योंकि अब हमजा इब्राहिम खुद शायर बन चुके हैं। तो आज तबस्सुम है सबके लब पर और अफसाने हैं तेरे मेरे, जा रही है तो जा, बता दे मुस्कुराहट की वजह, क्योंकि कल को मेरी दूसरी मुझसे पूछेगी कि ये असली में हुआ था क्या। फिर क्या, अगले दिन वही किरांची वाली वाइब्स, वही कैंची वाली चप्पल, हाथ में नानी का धागा, बड़ी दाढ़ी, बिखरे बाल, उल्टी टोपी, भोली सी सूरत, आँखों में मस्ती और आपका कराची बॉय। हाय हाय, जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर।